और साथियों आपको गर्व होगा, भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो है, पता सो बताता है, वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए, दुनिया के समृद्ध देश उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्त। इसमें भीम यूपीआई आज सरल डिजिटल ट्रांजैक्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पटरी वाला और ठेला वालों बैठो है ना, आप लोग फुटपाथ पर 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनत कश मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है जो बड़े बड़े मॉल में अमीरों के पास है। वरना वो दिन भी हमने देखे जब बड़ी बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड चलते थे और रेहड़ी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छूटे पैसे की तलाश में ही रहता था। और अभी तो मैं देख रहा था, एक दिन बिहार का कोई प्लेटफॉर्म पर कोई भिक्षा मांग रहा था तो वो डिजिटल पैसे लेता था वो अपना क्यूआर कोड बताता था। अब देखिए भाई, दोनों हर एक के पास, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर हो, हर एक के पास समान शक्ति है, यही डिजिटल इंडिया की ताकत है। इसलिए आज दुनिया के विकसित देशों या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडक्ट आज आकर्षण का केंद्र है। हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है। हमारा ये जो गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी। साथियों, डिजिटल इंडिया भविष्य में भी भारत की नई अर्थव्यवस्था का ठोस आधार बने, इंडस्ट्री 4.0 में भारत को अग्रणी रखे, इसके लिए भी आज अनेक प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। आज AI, ब्लॉकचेन, AR/VR, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, ऐसे अनेक न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए 100 से अधिक स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं देश भर में। हमारा प्रयास है कि विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आने वाले 4-5 सालों में 14-15 लाख युवाओं को फ्यूचर स्किल्स के लिए रीस्किल और अपस्किल किया जाए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जरूरी स्किल्स तैयार करने के लिए आज स्कूल के स्तर पर भी फोकस है। करीब 10,000 अटल टिंकरिंग लैब में आज 75 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं। अभी मैं यहां
प्रदर्शनी देखने गया था, मेरे मन को इतना आनंद हुआ कि दूर सुदूर कोई ओडिशा की बेटी है, कोई कोई त्रिपुरा की बेटी है, कोई उत्तर प्रदेश के कोई इंटीरियर गांव की बेटी है, वो अपनी प्रोडक्ट लेकर के आई है। 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां दुनिया की समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। आप जब उन बच्चियों से बात करोगे तो आपको लगेगा ये मेरे देश की ताकत है। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब के कारण स्कूल के अंदर ये जो वातावरण बना है उसी का ये नतीजा है कि बच्चे बड़ी बात लेकर के, बड़ी समस्याओं के समाधान लेकर के आते हैं। एक प्रथमेश करके बच्चा मुझे मिला, वो देख नहीं पाता है, आयु बहुत छोटी है, 11 साल का होगा। मैंने उसको अपना परिचय पूछा, वो कहता है मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं। यानी डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हम जो इक्विपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। इतने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था। यानी ये सामर्थ्य जब देखते हैं तो विश्वास और मजबूत हो जाता है, ये देश सपने साकार करके रहेगा, संकल्प पूरे करके रहेगा। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी माइंडसेट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएम दिशा देश में डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने का एक अभियान चला रहा है। अभी तक इसके 40,000 से अधिक सेंटर देश भर में बन चुके हैं और 5 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथियों, डिजिटल स्किल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए अनेक विविध दिशाओं में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। स्पेस हो, मैपिंग हो, ड्रोन हो, गेमिंग और एनिमेशन हो, ऐसे अनेक सेक्टर जो फ्यूचर डिजिटल टेक को विस्तार देने वाले हैं, उनको इनोवेशन के लिए खोल दिया गया है। इन स्पेस, अब इन स्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बना है। इन स्पेस और नई ड्रोन पॉलिसी जैसे प्रावधान आने वाले वर्षों में भारत के टेक पोटेंशियल को इस दशक में नई ऊर्जा देंगे। मैं जब यहां इन स्पेस के हेडक्वार्टर के उद्घाटन के लिए आया था पिछले महीने, तो कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, स्कूल के बच्चे थे। वे सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे वहां बताया गया कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए 75 सैटेलाइट आसमान में छोड़ने वाले, अंतरिक्ष में छोड़ने वाले हैं। ये मेरे देश की स्कूल की शिक्षा में हो रहा है। दोस्तों, साथियों, आज भारत अगले 3-4 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को $300 बिलियन से भी ऊपर ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत चिप टेकर से चिप मेकर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम से भी इसमें मदद मिल रही है। यानी मेक इन इंडिया की शक्ति और डिजिटल इंडिया की ताकत की डबल डोज भारत में इंडस्ट्री 4.0 को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आज का भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी।
हर घर में पहुंचता इंटरनेट और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगी। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही नए नए आयाम